गाइस वेलकम बैक माय चैनल। गाइस एप्लीकेशन तो सबका फाइनल वेरीफाइड हो गया है, जो NSP स्कॉलरशिप था, चाहे प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक, मेरिट काउंट्स या तो ईशान होता है, जो भी स्कीम था वो वेरीफाइड हो गया है अभी। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे इसका PAPMS कब होगा, कितना टाइम लगता है, पहचाने में कितना टाइम लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इन मन में जो कि ये क्वेश्चन अभी आ रहा है कि एप्लीकेशन तो फाइनल वेरीफाइड हो गया है, बट इसका पैसा कितना दिन लगेगा आने में, PAPMS कब हो जाएगा, तो डिटेल में जानेंगे। जो आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की अपडेट के लिए। ठीक है, देखिए लास्ट ईयर जो PAPMS हुआ था, प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक और मेरिट कम्स, ठीक है, और बाकी जो UGC स्कीम था उसका थोड़ा लेट होता है, थोड़ा टाइम लगता है, वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। बट जो माइनॉरिटी स्कीम रहता है, वो प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक, मेरिट कम्स, उसका जो नॉर्मली PAPMS हो जाता है एवरी ईयर, हर साल जो कि फरवरी में हो जाता है, तो ये भी फरवरी में चल रहे, तो विथ इन 10 days, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन जो कि PAPMS में चला जाएगा। और पेमेंट की बात करें तो हर साल जो कि पेमेंट मार्च में आते हैं, उसके पहले नहीं आते, तो आपका पेमेंट अगर आप रेन्यूअल हो, फ्रेश हो, रेन्यूअल हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपको मार्च में पेमेंट मिल जाएगा। बट फ्रेश होने के, अगर आप फ्रेश हो तो आपको पहले जो कि सेलेक्ट होना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वो सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट, PAPMS, ये सब कुछ जो कि इसी मंथ जो कि कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ जो कि आपको पैसा भी मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ईशान उदय की, जो UGC के अंदर रह रहे ना, ईशान उदय स्कॉलरशिप, तो उसका जो PAPMS होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, वो और भी 2-3 महीने लगेगा फाइनल PAPMS होने में। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो फाइनल वेरीफाइड हो गया ईशान उदय का, बट कुछ स्टूडेंट्स का अभी भी बाकी है, बट अभी भी 4 दिन है वेरीफाई होने में, 15 तारीख तक जो कि आपका एप्लीकेशन वेरीफाई होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो जिसका भी डिफेक्ट आया है, हमें पहले वाले वीडियो में वो बोला था कि आप रीसबमिट करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ रीसबमिट करोगे, आपका फाइनल वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि डिफेक्टिव आ गया बट रीसबमिट नहीं हो रहे, फाइनल सबमिट नहीं हो रहे, तो आप NSP पे कॉन्टैक्ट कीजिए, NSP हेल्पलाइन पे। ठीक है, वो लोग आपको सॉल्यूशन दे देगा। मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स का प्रॉपर डिटेल्स नहीं रहता। ठीक है, तो जिसका भी डिफेक्ट आया आप कॉन्टैक्ट करके रीसबमिट करो 15 तारीख से पहले, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, और जिसका फाइनल वेरीफाइड अभी तक नहीं होगा ईशान उदय UGC का, तो उसका जो कि 15 तारीख के अंदर हो जाएगा। बाकी स्कीम तो कब का क्लोज हो गया, बाकी जो प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक, उनका जो कोई जल्दी PAPMS हो जाएगा और आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पैसा तो मार्च में आएगा, लेकिन PAPMS इसी मंथ हो जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की अपडेट के लिए। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करो, मैं हेल्प करने की पूरा कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।